श्री राधे राधे। भक्तों, साधकों का एक लक्ष्य होता है कि मोक्ष प्राप्त करना है, किंतु ये लक्ष्य निर्गुण निराकारवादियों का भी होता है, और सगुण साकार उपासना में ये लक्ष्य कितना गंभीर रहस्य का होता है इसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सगुण साकार उपासना में सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, ज्यादा चर्चित है, सायुज्य की चर्चा भी है, और वो सायुज्य कैवल्य मोक्ष वाला नहीं, वो सायुज्य जो है जो सगुण उपासना में है वो पुष्टि मार्गी वाला है, जहां पर मोक्ष तो होता है लेकिन भागवत अंगों में ही वो कोई रूप धारण कर लेते हैं, और वो विशिष्टाद्वैत जो रामानुज में रामानंद में होता है उससे भी थोड़ा भिन्न होता है। और इससे भी विचित्र बात यह है कि वैकुंठ की प्राप्ति वाले जो साधक होते हैं उनसे भी ज्यादा मार्मिक और गंभीर लक्ष्य वाले वो होते हैं जो लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, नित्य निकुंज की लीला में प्रवेश करने वाले जो साधक होते हैं उनका लक्ष्य तो अद्भुत ही होता है, वो वैकुंठ में भी नहीं जाना चाहते। गिद्ध देह तज धरे हरे रूपा, भूषण बहुवत पीत अनुपा, वो भी नहीं चाहते। वो और शुद्धाद्वैत जो है पुष्टि मार्ग का, वल्लभाचार्य का, यहाँ अद्वैत तो है लेकिन शुद्ध अद्वैत को कहते हैं, भगवान के आभरण में आभूषण में सम्मिलित हो जाना शुद्धाद्वैत, वो भी वो नहीं चाहते। वो लोग लीला में नित्य लीला जो भगवान की श्यामा श्याम की लीला नित्य चलती रहती है, वैसे दिव्य वृंदावन की लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, गोपी भाव वाले, मंजरी भाव वाले, सहचरी भाव वाले, उनकी तो विचित्र ही लीला होती है, विचित्र ही लक्ष्य होता है, वो और सब कुछ नहीं चाहते हैं। भक्तों, ये विषय थोड़ा गूढ़ जरूर है लेकिन वो बताते हैं अनुभवी सखी मार्ग के संत कि इसमें जो प्रिया जी की कृपा होती है, राधा रानी की कृपा होती है, वह अन्य किसी में नहीं होती है। राधा रानी और उनकी अष्ट सखियों की मंजरी बन करके, श्री राधा रानी की अनुगत होकर के जो भजन साधना की जाती है उसकी भी विशिष्ट ही बात होती है। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि इस मार्ग पर चलने वाले जो होते हैं वो भगवान को ऐश्वर्य युक्त ठाकुर जी को नहीं चाहते, वो माधुर्य युक्त ठाकुर जी को चाहते हैं, वो ऐश्वर्य को न चाहकर माधुर्य को चाहते हैं, और यदि कहीं उनको माधुर्य से हटाकर ऐश्वर्य की ओर भेजा जाए तो उनके अंदर विरह ताप उत्पन्न हो जाता है, और वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे तो माधुर्य में ही ले लो, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए। आज कुछ ऐसी अटपटी लीला वाली
एक चरितावली आपको उसमें सुनाने जा रहा हूँ। और ये महाराज जी हैं श्री कृष्णदास जी, रनवारी वाले। रनवारी एक गांव है ब्रज में, वहीं रहते थे। इनका जन्म तो बंगाल में हुआ था, और जब इनके विवाह का प्रस्ताव हुआ तभी ये घर को छोड़ करके चल दिए और वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में कुछ दिन तक मदन मोहन की सेवा में रहे, इसके बाद रनवारी गांव चले गए। उस समय रनवारी एक घनघोर जंगल था, एक छोटी सी कुटिया बनाकर उसमें भजन करते थे, और संध्या समय मधुकरी के लिए जाते तो बहुत लोग मधुकरी इनको देते, और जिस किसी का इनकार नहीं करते, किसी को दुखी नहीं करते, जिस जो देते जाते अपने आप देते, लोग सब मधुकरी इकट्ठी करते जाते, अपने काम भर कर रखते, और सब बची हुई सब मधुकरी रास्ते में गायों को खिला देते थे। कि बाबा बहुत बचपन में ही आ गए थे, मतलब शादी होने का चर्चा हुई थी तभी आ गए थे, इसलिए कहीं भी तीर्थ यात्रा में नहीं गए, ये केवल वृंदावन में ही और रनवारी में ही रहे। 50 वर्ष के जब हो गए तब इनके मन में वासना जागी कि एक बार चल के चारों धाम की यात्रा कर लें। तो राधा रानी ने स्वप्न में इनको दर्शन देकर कहा कि तुमने वृंदावन की शरण ली है, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही गलती हम लोगों से होती भक्तों, कि हम वृंदावन में रहते हैं और कहते हैं कुंभ भी नहाया हुए हैं और वो धाम भी हो आए, वो पुरी भी हो आए। अरे तुम्हारे जहाँ तुम बैठे हो वृंदावन में, उसके आगे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। स्वयं राधा रानी ने स्वप्न दे करके कहा कि तुमने वृंदावन की शरण ली है तो तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहकर भजन करो, तुम्हें सर्व सिद्धि लाभ होगा यहाँ। लेकिन उन्होंने राधा रानी के स्वप्न को अपने मन बुद्धि की कल्पना मान ली और उसकी अवहेलना करके तीर्थ यात्रा को चले गए। और भ्रमण करते करते जब द्वारका पहुंचे तो वहां पर तप्त मुद्रा शंख चक्र गदा पद्म की लगाई गई उनको। अब ये रागानुगी वैष्णव की परंपरा नहीं है, लेकिन हरिभक्त विलास ग्रंथ में इसकी व्यवस्था दी गई है कि लगवा सकते हैं। तो इन्होंने ब्रज के सदाचार की उपेक्षा करके हरिभक्त विलास ग्रंथ के अनुसार तप्त मुद्रा धारण कर ली, परंतु बाद में इनके चित्त में विक्षेप आया और तीर्थ भ्रमण से अरुचि हो गई और वो ब्रज में लौट आए। और जिस दिन लौट करके आए उसी रात्रि में राधा रानी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम द्वारका में तप्त मुद्रा धारण कराकर सत्यभामा के गण में शामिल हो गए हो। अब सत्यभामा के गणों में शामिल हो गए हो तो तुम ऐश्वर्य साम्राज्य के हो गए, अब तुम उस माधुर्य साम्राज्य के नहीं रहे जो ब्रज की साधना पद्धति में होता है, तो इसलिए तुम द्वारका चले जाओ, तुम वैकुंठ प्राप्त करोगे। लेकिन अब तुम वृंदावन की गोपी लीला में प्रवेश के योग्य नहीं हो। अब इस बार उनको नहीं लगा कि वो स्वप्न में जो दर्शन मिल रहा है वो कल्पित है, वो बड़े घबराए कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और वे गोवर्धन के एक सिद्ध संत थे श्री कृष्णदास बाबा, उनके पास गए। इनका भी नाम श्री कृष्णदास था, गोवर्धन वाले की जो मैं कथा आपको सुना चुका हूँ, उनके पास गए। और उन्होंने देखते ही भुजाओं में जकड़ लिया, कस के आलिंगन किया, फिर पूछे कि आप कहाँ थे इतने दिन। बोले मैं द्वारका गया था, ये देखिए तप्त मुद्रा लगवा के आया हूँ, उत्तर दिया। तो जो गोवर्धन वाले सिद्ध बाबा श्री कृष्णदास थे वो तुरंत पीछे हट के बोले, अरे अरे तो अब मेरी ये योग्यता नहीं कि मैं आपको स्पर्श कर पाऊँ, आप तो
महाराज और राजेश्वरी की सेविका, अर्थात अब वो आप हो गए द्वारकापुरी के और सत्यभामा जी की सेवा में पहुंच गए। और संत जी बोले गोवर्धन वाले कि कहाँ आप इतने बड़े राज राजेश्वर के सेवक और मैं तो ब्रज की ग्वालिनी की दासी, मैं तो आपके बराबर कहाँ हो सकता हूँ। महाराज ब्रज में उस समय और भी कई सिद्ध संत लोग थे, उनसे भी श्री कृष्णदास ने जाकर पूछा उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जब राधा रानी जो आपको कहें उसी के अनुसार चलना है, अब उसके अनुसार ही आपको चलना चाहिए, हम लोग दूसरी बात कहाँ से बता सकते हैं। तो वे निराश होकर के रनवारी फिर लौट गए अपने गांव में। और उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि अब वो द्वारका में जा कर के रहें, अब वो वृंदावन और रनवारी ब्रजभूमि त्याग दें, ये उनको पसंद नहीं आया। अब उनके हृदय में इतना ताप बढ़ने लगा, विरह का ताप, तो वे घबरा गए कि अब मैं क्या करूं, मैं ऐश्वर्य वाले बैकुंठ में नहीं जाना चाहता, मैं तो कन्हैया की मधुर लीला में सम्मिलित होना चाहता था। भक्तों अब आप लोग समझ गए होंगे जो मैं आपको अंतर बता रहा हूं, कन्हैया की मधुर लीला में सम्मिलित होना चाहते थे बाबा, और अब वो जो चले गए द्वारकापुरी और वहाँ से मुद्राएं भी तब तो लगवाए आए, और राधा रानी के आदेश भी मिल गया कि तुमको बैकुंठ में जाना चाहिए, ऐश्वर्य में ही प्रवेश करना है, अब तुम गोपाल की और मेरी मधुर लीला में शामिल होने लायक अब नहीं हो। तो महाराज उनके मन में बड़ा विरह फैल गया, बड़ा अनुताप हुआ, और वे अन्न जल त्याग करके कुटिया में जा बैठे। और प्रिया जी के विरह में, राधा रानी के विरह में एकदम बहुत ज्यादा उनका हृदय जलने लगा, हृदय जलता जा रहा, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया चलो। और इस अवस्था में 3 महीने बीत गए थे, और बाबा रोते जाते थे, बस रोते जाते थे कि हाँ ये क्या हो गया, मैं ब्रज की मधुर लीला लायक अब नहीं रह गया। कथा तो इस प्रकार की है भक्तों, लेकिन मेरे विचार से उनका प्रारब्ध कुछ ऐसा था, कुछ प्रारब्ध भी और कुछ भगवान की लीला, कि उनके 3 दिन के बाद ही जब उनके 3 महीने बीत गए थे और उनके विरह की अग्नि सी प्रकट होने लगी, तो जो विरह की अग्नि उनके अंदर प्रकट हो रही थी वो 3 दिन तक तो विरह की अग्नि अंदर प्रकट हुई, उसके बाद महाराज वो विरह की अग्नि बाहर प्रकट हो गई, और फिर तो विचित्र लीला हुई है। जो विरह की अग्नि बाबा के अंदर धधक रही थी, वो महाराज जब विरह की अग्नि प्रकट होना शुरू हुई और 3 दिन के बाद बाहर प्रकट हो गई, तो उनके चरणों में आग लग गई। मैं आपको पहले एक बार मौनी बाबा की कथा सुना चुका हूँ, मौनी बाबा गह्वरवन वाले, जिनका एक पैर धधक करके जल रहा था और ब्रजवासियों ने उनके ऊपर पानी की बाल्टी उड़ेल करके फिर अस्पताल में ले गए, लेकिन शरीर छूट चुका था। तो विरह की अग्नि इस प्रकार प्रकट होती है, और वो बाबा मनी बाबा की तो बात अभी 40-45 साल पहले की है, अब ये बात जो मैं सुना रहा हूँ ये लगभग 150 वर्ष पहले की है। और महाराज ऐसी जोर से अग्नि प्रकट हुई, बाबा ने तो अपने कुटिया का दरवाजा बंद कर लिया था और जोर से ज्वाला और धुआं निकल रहा था। तो बाहर बैठे हुए कुछ संत लोग थे, उन्होंने एक संत को कहा कि भाई जाओ श्री कृष्णदास बाबा की कुटिया में देखो क्या हो रहा है, कुछ विचित्र सा आभास हो रहा है। तो कुटिया के जो झरोखे थे उनसे देख करके संतों ने दिखलाई पड़ा, जब संत लोग चीख पड़े कि ये क्या, अरे ये तो लगता है विरह अनल प्रकट हो गया। कई जानकार संत थे, उनका अरे विरह अनल विरह अनल विरह अनल।
और दौड़ पड़े संत लोग और कुटिया का दरवाजा तोड़ा और भीतर जाकर के देखा अग्नि धक धक करके जल रही थी। और महाराज वो अग्नि जो उनके हृदय में पहली थी विरह की अग्नि, वो तो महाराज बड़ी जोर से भभक करके जलने लगी थी। और जब दरवाजा कुटिया का तोड़ा गया तो अग्नि बाबा के कंठ तक पहुंच चुकी थी। पैर जलने लगे, पूरा शरीर जलने लगा, कंठ तक पहुंच गए। और वो तो महाराज सावधानी के साथ आसन से बैठे हुए, सिद्धासन से, सिद्धासन से बैठे रहे बाबा। और हिलते डुलते भी नहीं थे, अग्नि की ज्वाला धधक रही है, मुख से भगवान नाम एकदम स्पष्ट सुनाई पड़ रहा था, स्पष्ट ध्वनि निकल रही थी भगवान नाम की। और आग लगे हुए पैर से लेकर के पूरा शरीर जलते जलते उनके कंठ तक, गले तक आग जल रही है और मुंह से उनके स्पष्ट नाम निकल रहा है, शरीर हिल डुल नहीं रहा है, एकदम चेतना युक्त हैं। अब इसके बाद जब उन्होंने देखा कि कुछ ब्रजवासी आ गए हैं सम्मुख, दरवाजा तोड़ा जा चुका है, ब्रजवासी कातर भाव से उनकी ओर देख रहे थे और मशाल की तरह से उनके उनका शरीर जल रहा था, तो उन्होंने दोनों हाथों को उठा करके, जो कि हाथ भी जल रहे थे, दोनों हाथों को उठा करके बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे गांव में कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा, चाहे कहीं भी दुर्भिक्ष और महामारी हो जाए, लेकिन तुम्हारा गांव सुरक्षित रहेगा, तुम्हारे गांव में कोई प्रकार का कभी भी महामारी नहीं होगी, न संकट कोई आएगा। बाबा के मुँह से आशीर्वाद निकला और फिर भगवान का नाम निताई गौर हरि बोल, राधे 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 बोलते जा रहे थे और शरीर धकाधक उनका जलता जा रहा था। एक पुराने संत तब तक आए और उन्होंने तीन रुई की बत्तियां जला करके बाबा के मस्तक पर रख दिया, और जो गले के ऊपर आग लग चुकी थी वो तो तीन बत्तियां जब मस्तक पर रखा तो बत्तियां जलने लगी और उनका पूरा का पूरा शरीर श्री कृष्णदास बाबा का भस्म हो गया। और महाराज ये बाबा जो उनके बत्ती रखे थे सिर पर, उनका नाम था जगन्नाथ दास बाबा, उन्होंने कहा, ये सौभाग्य करोड़ों में से किसी विरही को मिल पाता है, जिसका विरहानल से पूरा का पूरा शरीर भस्म हो जाता है, किसी को छूने की जरूरत नहीं होती, विरहाग्नि में ही शरीर इनका दग्ध हो गया, इनका प्रारब्ध पूर्ण हो चुका था। बाबा जगन्नाथ दास ने कहा, श्री कृष्ण दास का प्रारब्ध पूर्ण हो चुका था और प्रिया जी के विरह में ही विरहानल ने इनके शरीर को भस्म कर दिया और भस्म राशि जो थी वो शीतल हो चुकी थी। कई दिन के बाद एकदम शीतल हो चुकी थी भस्म राशि, बाबा का अस्थि पंजर वैसे के वैसे पद्मासन से बैठा हुआ था। यह रनवारी गांव में 150 वर्ष पहले की बात है। और एक उनके गुरु भाई प्रेमदास जी महाराज आए, भस्मराज शीतल हो चुकी थी, अस्थि पंजर पद्मासन से अभी बैठा हुआ था, कुछ भी अग्नि कहीं नहीं दिखलाई पड़ रही थी, लेकिन प्रेमदास जी बाबा आकर के दंडवत किए और दंडवत करके बोले, हाथ जोड़ करके, दादा आपने मेरे हाथ की लकड़ी तो ली ही नहीं, ये मैं लकड़ी दे रहा हूँ। और ज्यों ही उनके शरीर की भस्म से स्पर्श कराया, आग कहीं नहीं दिख रही थी, भस्म से स्पर्श कराया तो लकड़ी जलने लग गई और वो उस लकड़ी को भी उन्होंने
उनके शरीर में भस्म में शामिल कर दिया। भक्तों, ये घटना मैंने बतलाया कि लगभग 150 वर्ष हो गए घटे हुए, पर उस गांव में रनवारी में आज भी ब्रजवासी लोग पौष मास की अमावस्या को चंदा इकट्ठा करके श्री कृष्णदास बाबा की तिरुभाव की तिथि मनाते हैं और उस उपलक्ष्य में एक विराट उत्सव करते हैं। उसमें 84 कोस ब्रज के वैष्णवों को भोजन कराते हैं। बाबा के यहाँ के ब्रजवासियों को फाल्गुन शुक्ला एकादशी तिथि का पालन कर रात्रि में जागरण करने का आदेश दिया था। बाबा ने श्री कृष्णदास ने आदेश दिया था कि फाल्गुन शुक्ला की जो एकादशी होती है उसमें रात का जागरण करना। आज भी वहाँ के ब्रजवासी स्त्री पुरुष बड़े बूढ़े यहाँ तक कि बच्चे भी इस तिथि का विशेष रूप से पालन करते हैं। लीला भगवान की करवाते हैं, रासलीला कराते हैं, कीर्तन करते हैं, एकादशी का उत्सव मनाते हैं। और बाबा का जो वो विरहा नल से शरीर दग्ध हुआ था पौष की अमावस्या को, उस दिन बाबा के भगवत धाम में प्रस्थान की इस लीला की वर्षी मनाया करते हैं। और बाबा के आशीर्वाद से कभी भी वहाँ कोई भी महामारी या दुर्भिक्ष या अकाल कुछ भी नहीं पड़ा। पूरे गांव के लोग मानते हैं अपने को सुरक्षित बाबा के आशीर्वाद से। उनका विश्वास है कि सिद्ध बाबा की समाधि के आगे जो कुछ भी प्रार्थना की जाए वो तो सब पूर्ण होती है। ऐसे अद्भुत विरही संत थे श्री कृष्णदास बाबा, जो राधा रानी के विरह में ही इतना विरह संतप्त हुए कि अनल प्रकट हुआ, पहले हृदय में, फिर पूरे शरीर में, और चरणों से लेकर के ऊपर चढ़ता चढ़ता वो विरह अनल, वो धधकती हुई अग्नि पूरे शरीर को भस्म कर दी। और जब उनका ये प्रारब्ध पूर्ण हुआ तो किसी को भी अग्निदान नहीं करना पड़ा, और इस तरह से शरीर को विरहानल से दग्ध करके वो भगवत धाम को प्राप्त हुए। मेरा तो विश्वास है कि उनको यदि राधा रानी के कथन के अनुसार द्वारकापुरी नहीं जाना चाहिए था तो उस गलती का उन्होंने प्रायश्चित कर लिया अपने विरहाग्नि के द्वारा। जो राधा रानी की आज्ञा का उल्लंघन हो गया था उस गलती का प्रायश्चित उन्होंने विरहानल प्रकट करके कर लिया, और प्रायश्चित करके वो नित्य निकुंज लीला में ही प्रवेश किए होंगे, क्योंकि निश्चित ही राधा रानी के विरहानल में शरीर त्यागने वाले के ऊपर राधा की कृपा पूर्ण रूप से हो ही गई होगी। और ऐसे महान इन संत ने पुनः माधुर्य भाव का सानिध्य प्राप्त कर लिया होगा। राधा रानी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे।